ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। ये कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनांकन संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। आज प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। अभी तक आपने महादेवी दुख की प्रवल पोषिका हैं उनके बारे में, उनके काव्य सौष्ठव के बारे में जाना समझा। दूसरे भाग में आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कविताओं के कुछ अंशों की हम व्याख्या करेंगे। हमारे इस व्याख्यान का उद्देश्य है इस व्याख्यान के पश्चात आप महादेवी वर्मा के काव्य के भाव सौंदर्य को समझा सकेंगे, दी गई कविताओं की व्याख्या करने में समर्थ हो सकेंगे। आज की विषय वस्तु है फिर विकल हैं प्राण मेरे, मैं नीर भरी दुख की बदली, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, टूट गया वह निर्मम दर्पण, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। पहली कविता है फिर विकल हैं प्राण मेरे। महादेवी वर्मा के प्राण प्री से मिलने के लिए आकुल हो रहे हैं, प्री से मिलने की उत्कंठा उनके मन में बनी हुई है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस और क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरा श्वास घेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज बंधन, मैं भी देख लूं उस और क्या है। महादेवी वर्मा अपने प्रीतम अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। वो यह जानना चाहती हैं कि क्षितिज के उस पार क्या है, और क्षितिज उस जगह को कहा जाता है जहां आकाश और पृथ्वी मिलकर के एक होते हैं। तो उन्हें लगता है क्षितिज के उस पार भी शायद कुछ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मेरे प्राण उस चीज को देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। वह कहती है कि जिस रास्ते से युग समय कल्प चले जा रहे हैं, उनका ओर छोर क्या है, क्यों मेरी ही सांसें मेरी प्राचीर, प्राचीर माने दीवार बन करके आड़े आ गई हैं, या मेरी सीमा या मेरा बंधन बन गया है। महादेवी वर्मा यह चाहती है कि क्षितिज के उस पार क्या है, दुनिया कैसी है, उस पार समय कैसे चला जा रहा है, युग कैसे बदलते चला जा रहा है, कल्प कैसे बनते चले जा रहे हैं, वह सब मुझे देखना है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाज कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिर निरंतरता क्षणों के साथ फेरे। फिर उन्हें यह भी चीज आकर्षित करती है कि सिंधु, सिंधु अर्थात सागर, और सागर का कोई पारावार या सीमा नहीं होती है, पर वो ये कहते हैं कि सिंधु अथाह है, अनंत है, जिसका कोई ओर छोर दिखाई नहीं देता है, पर उस सिंधु के ऊपर ये छोटी छोटी लहरें किस तरह से आ जा रही हैं। इसी तरह से आकाश जिसमें कि सर्वत्र आलोक फैला होता है, प्रकाश फैला हुआ होता है, फिर भी वह अपने अंदर छोटे छोटे तारे रूपी दीपों को किस तरह से रखा हुआ है। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, और मैं भी उस ईश्वर से मिलना चाहती हूँ, मैं भी उस अनंत को पाना चाहती हूँ,
मैं भी उस अनंत के इन सारी प्रक्रियाओं या क्रियाओं को देखना चाहती हूँ और मैं भी इन क्षणों के साथ चलती चली जा रही हूँ। ये सब आखिर किस तरह से हो रहा है, यह सब जानने के लिए मेरे प्राण व्याकुल और बेचैन बने हुए हैं। नव डुबो पाया न अपनी बाढ़ में भी चांद तारे, ढूंढने करुणा मृदुलघन चीर कर तूफान हारे, अंत में तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। आगे कवित्री कहती हैं कि आकाश अनंत है, विशाल है, और इसके बावजूद भी वह अपनी बाढ़ में चांद और तारों के अस्तित्व को डुबो नहीं पाया है, अर्थात चांद और तारे अपने अस्तित्व के साथ आकाश में बने हुए हैं। इसी तरह से ढूंढने करुणा मृदुलघन चीर कर तूफान हारे, और बादलों को भी अलग अलग करके देखने की बहुत कोशिश की गई, उसमें करुणा ढूंढने की बहुत कोशिश आकाश ने की, परंतु कितने ही तूफान आए, कितना ही परेशानियां आईं, परंतु फिर भी उसकी करुणा को, मृदुलता को बादलों को चीरने के बाद नहीं देख पाया है। अंत में तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, तम याने होता है अंधकार और तम का अर्थ होता है निराशा। आगे कवित्री कहती है कि मैं भी उस अनंत के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरे जो अरमान है, मेरी जो इच्छाएं हैं, वह उस अनंत से, उस प्रीतम से मिलने के लिए बेचैन हो रही हैं। मैं उसको जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। अर्थात वो ये कहना चाह रही हैं कि आकाश अनंत है, सागर बहुत विशाल है, अथाह है, गहरा है, पर उसके ऊपर लहरें चलती रहती हैं। इसी तरह से संसार भी बहुत विशाल है, मनुष्य आते रहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें किस तरह से होती रहती हैं। दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा ने यहाँ पर अपनी तुलना दुख की बदली से किया है, नीर भरी दुख की बदली, उन्होंने अपने आप को दुख की बदली बताया है। जैसे बदली जल से भरी हुई होती है, उसी तरह से वो कहते हैं कि मेरी आंखें भी अश्रुपूरित बनी होती हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। कविता का शीर्षक देखिए, उन्होंने कहा है मैं नीर भरी, नीर यानि जल से भरी हुई दुख की बदली। जीवन में करुणा का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि दुख का महत्व होता है। वो ये कहती है कि आकाश में जब बादल छा जाते हैं या बदली आ जाती है, तो उसके आने की स्मृति मात्र से ही सारा संसार खुश हो जाता है। पथ को न मलिन करता आना, बदली कभी रास्तों को गंदा नहीं करती है। पद चिन्ह ना दे जाता जाना, और उसके जाने के बाद कोई चिन्ह भी शेष नहीं रह जाते। अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि आकाश में जब बादल छा जाते हैं, तो उसके छाने से और उसके बरस जाने के बाद न आकाश में उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है। इसी तरह से मेरे आने से इस संसार में और मेरे जाने से ही किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से बदली का अस्तित्व उसके होने में तो है, परंतु उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता, अर्थात वो कैसी है, क्षणिक है। आकाश में आई, बरस गई, आकाश में आई तब वो दिखी, और बरस जाने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहती है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि सुध मेरे आगम की, आगम यानी आना, जैसे ही मेरे आने के स्मरण मात्र से ही क्या होगा, जैसे ही बदली के आने के स्मरण मात्र से ही सारे संसार के लोग प्रसन्न हो उठते हैं। इसी तरह से मेरे आगम के बारे में जब संसार के लोगों को पता चलेगा, तो वो भी प्रसन्न हो उठेंगे। आगम का अर्थ उनका यहाँ पर यह है कि उनकी जो काव्य रचनाएं हैं या उनकी जो कृतियां हैं, उससे संसार प्रसन्न हो उठेगा। विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वो कह रही हैं कि इतने बड़े आकाश में बदली का अपना कोई एक कोना नहीं होता है, वो तो आकाश में कहीं भी विचरण करती रहती है। उसका परिचय और इतिहास सिर्फ इतना ही है, परिचय इतना है कि उमड़ी कल थी, इतिहास इतना है कि मिट गई।
इसी तरह से वो ये कहती हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं या संसार में जो भी प्राणी हैं वो क्षणिक है, आते हैं और फिर चले जाते हैं। अपनी तुलना चूंकि उन्होंने बदली से की है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वो कहते हैं संसार में मेरा भी अपना कोई क्रोण या अपना कोई निश्चित स्थान नहीं है। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैंने इस संसार में जन्म लिया था और इतिहास यही है कि मैं कल चली जाऊंगी, परंतु मैं कैसी रहूंगी, अमिट रहूंगी। और वो काव्य के माध्यम से उनकी अगली कविता है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। यहाँ पर इस कविता में वह कहना चाह रही हैं ईश्वर से अद्वैतवाद का संबंध रखना चाह रही हैं। अद्वैत, द्वैत का अर्थ होता है दो, अद्वैत यानी आत्मा और परमात्मा जब भिन्न ना हो। तो वो कह रही है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन यानी वीणा भी मैं तुम्हारी हूँ और वीणा से निकलने वाली रागनी भी मैं ही हूँ। कुछ अंश देखिए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कणकण में, प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में। कवित्री कहती है कि मैं बीन भी तुम्हारी हूँ और रागनी भी तुम्हारी हूँ। जो संसार में कण कण में स्पंदन दिखाई दे रहा था, या निस्पंद का अर्थ होता है स्पंदनहीन, तो जो संसार में जब कण कण निस्पंदहीन था वह मेरी नींद ही थी, और जो स्पंदन दिखाई दिया वो मेरे पहला जागरण था जगत के प्रथम स्पंदन में। स्पंदन यानी हलचल, स्पंदन यानी चेतना आ जाना। तो वो ये कह रहे हैं चूंकि सारा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, सारा संसार या ब्रह्मांड कहा जाए वह ब्रह्मा का ही अंश कहलाता है, और आत्मा हमेशा ब्रह्मा में ही या आत्मा हमेशा परमात्मा में ही लीन होना चाहती है, और महादेवी वर्मा अपने माध्यम से सारे संसार में ईश्वर को ही देखती हैं, या ये कह सकते हो कि आत्मा और परमात्मा में द्वैतवाद की स्थिति समाप्त हो जाती है। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहनी भी हूँ। वो कह रही है प्रलय में मेरा पता, प्रलय में भी मेरा पता है, पद चिन्ह जीवन में और जीवन में भी मैं हूँ, अर्थात ईश्वर हर जगह विद्यमान है। मैं वह शाप हूँ जो बंधन में बंध करके वरदान बन गया है, मैं कुल भी हूँ और कुलहीन यानी किनारे रहित बहने वाली नदी, मैं कुलहीन भी हूँ, नदी ऐसी नदी हूँ जिसका कोई किनारा नहीं है परंतु फिर भी वो निरंतर बहती चली जाती है। आग हूँ जिसमें ढुलकते बिंदु हिमजल के, बिंदु हिमजल, हिमजल यानी बर्फ और जल यानी जल पानी, बिंदु यानी ओस के कण, यहाँ पर विरोधाभास दिखाई दे रहा है। आग हूँ जिसमें ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसकी बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। वो कह रहे हैं मैं वह हिमजल बिंदु हूँ जो कि आग में भी जाती हूँ, मैं वह शून्य हूँ जिसके लिए पावड़े बिछे हुए हैं। शून्य यानी एकाकार, शून्य यानी निराकार, अर्थात जब आत्मा ईश्वर से मिल जाती है तो फिर आदमी की या आत्मा की अपनी स्वयं की कोई सत्ता नहीं रह जाती है। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, मैं वह खुशी हूँ जो कि कठिन प्रस्तर यानी होता है पत्थर, अर्थात संघर्षों में पली हुई हूँ। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामनी भी हूँ। वह कहती हैं मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ और वही प्रतिबिंब हूँ जिसका तुम्हारे उर में आधार बना हुआ है, मैं नीला आकाश भी हूँ और आकाश में चमकने वाली सुनहली बिजली भी मैं ही हूँ। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झनकार की गति भी। वह कहती हैं मैं नाश भी हूँ और अनंत विकास का क्रम भी मैं ही हूँ, त्याग का दिन भी मैं ही हूँ, और चरम आसक्ति का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुओं में ममता का भाव उदय हो जाना, तम का अर्थ होता है अंधेरा, अर्थात आत्मा जब संसार में आती है तो वह सांसारिक वस्तुओं के मोह में उलझ जाती है। तो वह कह रहे हैं मैं ही त्याग हूँ और मैं ही सांसारिक वस्तुओं में उलझने वाली हूँ। यहाँ पर होता यह है कि आत्मा परमात्मा से अलग मान करके अपने अस्तित्व को स्वयं ही जीने लगती है, अपने अस्तित्व को स्वयं जीने लगती है, अर्थात वो ये मानती है कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। मैं तार भी हूँ
आघात भी झनकार की गति भी, चूंकि उन्होंने अपने आप को वीणा कहा है तो वीणा का तार भी मैं हूँ, उसके ऊपर चोट पड़ने वाली भी मैं ही हूँ और उस चोट से निकलने वाली झनकार की गति भी मैं ही हूँ। पात्र भी मधु भी मधु भी मधुर विस्मृति भी अधर भी हूँ और स्मित भी चांदनी भी हूँ। आगे वो कहती है कि पात्र भी मैं ही हूँ, मधु भी हूँ, मधु भी हूँ, मधुर विस्मृति भी मैं ही हूँ और ओठों पे आने वाली हंसी भी मैं ही हूँ, चांदनी भी मैं ही हूँ। अगली कविता उनकी है टूट गया वह दर्पण निर्मम। निर्मम यानि कठोर, दर्पण यानि यह माया का दर्पण आप इसको कह सकते हैं। दर्पण यानि वैसे होता है आईना या शीशा। टूट गया वह दर्पण निर्मम, इस कविता में वह कहती हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी दर्पण था वह टूट गया है। टूट गया वह दर्पण निर्मम, उसमें हंसती मेरी छाया, मुझमें रोती ममता माया, अश्रुहास ने विश्व सजाया, रहे खेलते आंख मिचोनी। कवित्री कहती है टूट गया वह दर्पण निर्मम, हमारे बीच में जो माया रूपी दर्पण था या जो माया रूपी शीशा था या जो माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ था वह टूट गया है। और जब ईश्वर से आत्मा का एकाकार या तादात्म्य की स्थिति बन गई है तो फिर अभेद की स्थिति आ गई है। उसमें हंसती मेरी छाया, मुझमें रोदी ममता माया, जो टूटा हुआ दर्पण था उसमें मेरा प्रतिबिंब देखकर मेरी छाया हंसती, परंतु मुझमें रोदी ममता माया, मुझमें जो सांसारिक बंधन थे, जिन सांसारिक बंधनों से मैं बंधी हुई थी वह रोदी। अश्रुहास ने विश्व सजाया, अश्रु यानि दुख, हास यानि खुशी। संसार में व्यक्ति दुख और सुख इन दोनों चीज़ों से परिचालित होता रहता है, तो वो ये कह रहे हैं कि सारे संसार में दुख और सुख निरंतर आँख मिचोली के समान खेलते रहते हैं, परंतु हमारे बीच में से अब वह दर्पण टूट गया है, अब मैं परमात्मा से मिल चुकी हूँ या परमात्मा से मेरा तादात्कार या साक्षात्कार हो गया है। प्रिय जिसके पर्दे में मैं तुम, टूट गया वह दर्पण निर्मम, अर्थात वह माया का दर्पण या वह अवगुंठन या वह पर्दा अवलग हो गया है जो हमेशा यह बताया करता था कि तुम हो और मैं हूँ। अब मैं और तुम की स्थिति हट करके हम की स्थिति आ गई है। कैसा पतझर कैसा सावन, कैसी मिलन विरह की उलझन, कैसा पल घड़ियों में जीवन, कैसे निशदिन कैसे सुख दुख, आज विश्व में तुम हो या तम, टूट गया वह दर्पण निर्मम। जब आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है तब चाहे पतझड़ हो या सावन हो, मिलन हो या विरह हो, या घड़ी हो या साल हो, या कोई भी समय हो, रात हो दिन हो सुख हो दुख हो, तो विश्व में फिर ये सारी चीज़ें अगर आती और जाती भी रहती हैं तो इन सब से फिर मेरा कोई सरोकार नहीं रह गया है, क्योंकि आज तो मैं तुम में समाहित हो गई हूँ। आज कहाँ मेरा अपनापन, मेरा अपनापन, अपनापन का अर्थ होता है अहम। तेरे छिपने का अवगुंठन, मेरा बंधन तेरा साधन, तुम मुझ में अपना सुख देखो, मैं तुम में अपना दुख प्रियतम, टूट गया वह दर्पण निर्मम। वह कह रही है आज कहाँ मेरा अपनापन, अर्थात मैं अपनी सत्ता को भूल चुकी हूँ, सारा अहम भाव समाप्त हो चुका है। और जिस अहम भाव की वजह से, अवगुंठन का अर्थ होता है पर्दा, जिस पर्दे के पीछे तुम छुपे हुए होते थे, अब तो मेरा ही बंधन तुम्हारा साधन बन गया है, तुम मुझ में अपने सुख को देखो और मैं तुम में अपने दुख को ढूंढती हूँ। अरे प्रीतम, प्रीतम यहाँ पर प्रीतम लौकिक ना होकर अलौकिक है, परमात्मा है। टूट गया वह दर्पण निर्मम, माया रूपी दर्पण टूट चुका है। उनकी अगली कविता है धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। यहाँ पर वसंत के आगमन के बारे में कह रही है और उन्होंने बसंत रजनी का मानवीकरण भी किया है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक मै नव वैणी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन। अवगुंठन का अर्थ हमने आपको बताया पर्दा, शीश फूल का अर्थ होता है आभूषण, तारक मै यानी तारों को, वैणी बंधन यानी वैणी का बंधन बनाकर,
शशि यानि चंद्रमा, नूतन यानि नया। यहाँ पर क्या कह रही है, देखिए, धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंत रजनी, बसंत रजनी तुम धीरे धीरे क्षितिज से उतर कर आओ। और तारक मैनव वैणी बंधन, तारों को अपनी वैणी का बंधन बनाकर, अर्थात तारक मैं तारों को अपनी चोटी में बंधन बना कर के, और उस चोटी में शशि को नए चंद्रमा का आभूषण बनाकर, रश्मि वलय, रश्मि यानि किरणें, किरणों का जूड़ा बना करके, सित घन अवगुंठन और सफेद रंग के वस्त्रों को, घन रूपी श्वेत वस्त्रों का अवगुंठन लेकर के नीचे उतरो। फिर से अर्थ बोल देती हूँ इसका, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, क्षितिज से धीरे धीरे उतर कर बसंत रजनी तुम इस पृथ्वी के ऊपर आओ। और जब तुम आ रही हो, इन तारों को अपनी चोटी में बंधन बनाकर गूथ लो, और उसके ऊपर चंद्रमा का शीश फूल अर्थात आभूषण धारण करके, रश्मि वलय, रश्मि यानी किरणें, रश्मि वलय का जूड़ा बना करके, सित घन और सफेद रंग के घन का आवरण ओढ़कर या पर्दे को ओढ़ करके तुम क्षितिज से धीरे धीरे उतरकर इस पृथ्वी पर आओ। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर्मय हो स्मृतियों की अंजलि, मलिया नील का चल दुकूल अली, घिर छाया सी श्याम विश्व को आ अवसार बनी, सकुचती आ बसंत रजनी। आगे वो कह रही हैं, पुलकित सपनों की रोमावली, रोमावली यानी रोमों की अवली, पुलकित, पुलकित यानी प्रसन्नतापूर्वक, अपने सपनों की, सपनों को क्रमबद्ध करके और अपने हाथों में स्मृतियों की अंजलि को लेकर के, मलिया नील यानी मलिया नील पर्वत से चलकर आने वाली हवा, मलिया नील से चलकर आने वाली हवा का वस्त्र ओढ़कर, हे सखी तुम धीरे धीरे रात्रि को लेकर के इस संसार में उतर कर आओ, और इस संसार को अभिसार बना दो, अर्थात प्रेम क्रीड़ा का स्थल बना दो। सकुचाती आ बसंत रजनी, सकुचाती यानी शर्माती हुई, तुम धीरे धीरे इस पृथ्वी के ऊपर आ जाओ, अर्थात अभिसार का अर्थ होता है कि जब कोई नायिका अपने प्रीतम से मिलने के लिए या अभिसार करने के लिए जाती है, और जब वो अभिसार करने के लिए जाती है तो आप बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रीतम की स्मृतियों को साथ में लेकर के घूंघट डाल करके जाती है। इसी तरह से वो ये कह रही है, हे वसंत रजनी तुम भी सपनों की रोमावली के साथ प्रसन्न होकर के और अपने साथ बहुत सारे स्मृतियों को लेकर के, मलिया नल का दुकूल को ओढ़ करके इस पृथ्वी को, पृथ्वी के ऊपर अंधकार कर दो, जिससे सारा संसार प्रेम कर सके। तुम सकुचाती हुई, शर्माती हुई इस पृथ्वी के ऊपर आ जाओ। सिहर सिहर उठता सरिताउर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर सुन प्री की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी सिहरती आ वसंत रजनी। वो ये कह रही है, जैसे ही वसंत ऋतु के आगमन के बारे में पता चलता है, वसंत की रात्रि के आगमन के बारे में पता चलता है, वैसे ही सरिता का हृदय भी सिहर उठता है, चंचल हो उठती है, खुल खुल पड़ते सुमन सुधावर और पुष्प भी सुगंध से भर उठते हैं, पुष्प भी पराग से भर जाते हैं, मचल मचल आते पल फिर सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी, अवनी यानी पृथ्वी, और अपने प्रीतम के आगमन के बारे में पता चलते ही, पदचाप यानी पैरों की ध्वनि के बारे में पता चलते ही, या उसका प्रीतम आने वाला है यह सोच करके ही यह पृथ्वी भी प्रसन्न हो उठी है। तुम वसंत रजनी, तुम सिहरती हुई, सकुचाती हुई यहाँ पर आ जाओ। स्मृति संकेत हैं, फिर विकल हैं प्राण मेरे, सृष्टि की चिरंतनता के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में अपने जीवन की तुलना बदली से की है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, आत्मा और परमात्मा का अद्वैत भाव का संबंध दिखाया गया है।
टूट गया वह निर्मम दर्पण कविता में आत्मा और परमात्मा की एकाकारता का वर्णन है। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ वसंत रजनी में वसंत ऋतु का चित्रण एक सुंदरी नायिका के रूप में किया गया है, उसे आने का निमंत्रण दिया गया है और छायावादी कवियों की यह विशेषता है कि उन्होंने प्रकृति का भी मानवीकरण किया है। यहाँ पर वसंत ऋतु वसंत की रात्रि का मानवीकरण कर दिया है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नवयुग की मीरा बन तुम जग प्रांगण में छाई, प्रीत तरु की मधुलतिकासी कुछ भेद भरी परछाई। यह पंक्तियां किस कवि द्वारा महादेवी वर्मा के लिए कही गई हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी का तीसरा काव्य संग्रह है निर्जा, निहार, रश्मि, ग्रंथि। सही जवाब है निर्जा। निम्न में से कौन सी महादेवी जी की स्वतंत्र रचना नहीं है? यामा, दीपशिखा, निर्जा, सांध्य गीत। यामा। मैं क्षितिज भ्रुकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? फिर विकल हैं प्राण मेरे, मैं नीर भरी दुख की बदली, टूट गया वह दर्पण निर्मम। सही जवाब है मैं नीर भरी दुख की बदली। व्याख्या कीजिए। मैं क्षितिज भ्रुकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। व्याख्या के लिए आपको मालूम ही होगा कि व्याख्या किस तरह से की जाती है। व्याख्या की रूपरेखा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। संदर्भ में किस कविता से ली गई है, किस कवि की रचना है, प्रसंग किस संदर्भ में कही गई बात है और व्याख्या उसमें विस्तार बताया जाता है। काव्य सौंदर्य में कभी कभी दूसरे कवियों से भी काव्य सौंदर्य में तुलना कर दी जाती है या तुलनात्मक सौंदर्य भी दिखा दिया जाता है। अलंकार या जो भी विशेष बात होती है वो भी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रखी जाती है। गहन अध्ययन के लिए हम आपको कुछ पुस्तकों के नाम बताते हैं। महादेवी आपके लोकप्रिय कवि, संपादक हैं गंगा प्रसाद पांडेय। दूसरी पुस्तक है महादेवी मूल्यांकन, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। तीसरी पुस्तक का नाम है मेरी प्रिय कविताएं, महादेवी मयूर पेपर बैग्स। महादेवी की काव्य साधना, सुरेश चंद्र गुप्त। अगली पुस्तक है महादेवी प्रतिनिधि गद्य रचनाएं, संपादक है डॉक्टर रामजी पांडे। अगली पुस्तक है महादेवी वर्मा और परिक्रमा, श्री राकेश। अभी आपने आपके पाठ्यक्रम में शामिल कविताओं के कुछ अंशों को समझा है। उम्मीद है आप महादेवी वर्मा की रचना शैली को समझने में सफल हो पाए होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। आज आपने इसका दूसरा भाग सुना। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर मधु जैन, उद्घोषिका थी फरजाना खान। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।